सुबह से लगातार आपको अपडेट्स दे रहे हैं और एक बार फिर से जम्मू की अगर बात करें तो मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली है और आप देख सकते हैं इस समय समय लगभग 2 बजने को है, लेकिन अब मौसम किस तरीके से है और लगातार बता रहा हूँ कि टेम्परेचर आज के दिन में जो है वो 21 डिग्री सेल्सियस ही रहने वाला है और लगातार बारिश का अनुमान जताया जा रहा है और आज और कल भारी भरकम बारिश जो है वो देखने को हमें मिलेगी। जम्मू के कई क्षेत्र ऐसे हैं यहाँ पर भारी भरकम बारिश के साथ ओले भी गिरते हुए सुबह से ही नजर आए और एक बार फिर से ये तस्वीरें आप देख सकते हैं इस समय जम्मू सिटी की हैं, ये लाइव विजुअल्स हैं और किस तरीके से सुबह से ही लगातार मौसम जो है उसने अपना रुख बदला हुआ और कई जगहों पर तबाही जैसा मंजर बना हुआ, क्योंकि मैं अगर बात करूं तो फसलों का सीजन था और इस समय जो फसल है वो खराब हो जाएंगी क्योंकि बारिश पड़ेगी, बेवजह मौसम जो है उसने अपनी करवट बदली है और इस समय मौसम जो है वो बारिश का था नहीं, सीजन बारिश का था, लेकिन फिर भी बारिश हुई जिससे किसानों को काफ़ी नुकसान जो है इस समय होगा। दूसरी तस्वीरें भी दिखाऊंगा आपको और ये तस्वीरें भी आप देखिए, क्योंकि इस सीज़न में हम लोग तो अपने घरों की छतों के अंदर हैं और यहाँ पर एक तगमा ऐसा है जो यहाँ पर अपने बैलून्स बुक्स पेन बेचकर जो था वो गुजारा करता था और उनकी तादाद देख सकते हैं आप इस साइड। ये आज यहाँ पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यहाँ पर तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहुँचे थे, लेकिन ये देख सकते हैं आप किस तरीके से यहाँ पर अपना गुजर बसर जो है वो इस छत के नीचे कर रहे हैं, यहीं पर ये लोग बैठे हुए हैं आसरा लिए हुए हैं। और ये देखिए ज़िंदगी, ये भी एक तस्वीर है बदलते हुए भारत की। ये लोग तमाम लोग जो हैं ये बाहरी राज्यों से हैं, कोई राजस्थान से है, कोई कहीं से है, छोटे छोटे बच्चे इनके साथ हैं। ये लोग भी आप देख सकते हैं किस तरीके से अपनी ज़िंदगी जो है उसको व्यतीत कर रहे हैं। और ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, ये देखिए इनको नहीं पता ज़िंदगी किस तरफ लेके इनको जाएगी, लेकिन ये अपने माता पिता के साथ जो हैं सुबह आप देखते होंगे जम्मू के तमाम चौकस में ये लोग बैलून्स बुक्स या पेन बेचकर जो है अपना गुजारा करते हैं, लेकिन बारिश जो हो रही है उस बारिश में इन्हें भी मजबूर किया है कि ये भी किसी छत के नीचे बैठकर आसरा जो है लें और अपनी ज़िंदगी और अपने बच्चों को जो है वो सेफ फील करवा सके। लेकिन मौसम लगातार 2 दिन से इसी तरीके से रहेगा और मौसम की अगर बात करूँ तो मौसम इसी तरीके से रहने वाला है और मौसम विशेषज्ञों का यही कहना है कि अगले 2 दिन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं और ये अगले 2 दिन जो हैं इसमें मौसम इसी तरीके से रहने वाला है। और इस समय भी आप देख सकते हैं समय जो है वो लगभग 2 बजने को है, लेकिन इस तरीके से लग रहा है कि सुबह 5 बजे का समय जो है वो है और ठंडी हवाएं चल रही हैं, मौसम ने करवट बदली है। और आप लोग अपनी सेहत का ध्यान रखें, वार्म कपड़े जो है उन्हें पहने, घरों से बाहर तभी निकलें, ठीक है, कवर करके रखें अपने आप को जितना हो सके, क्योंकि इस समय जो तेज़ ठंडी हवाएं चल रही हैं इससे इंसान बीमार भी हो सकता है। और दूसरी तरफ रुख करें अगर तो ये एक ज़िंदगी दिखाई, एक पहलू ये है, और दूसरा पहलू वो किसान लोग जिनकी फसलें इस समय कटने को हैं और बारिश जो है बेवजह मौसम जो है उसने करवट ली है और कितना नुकसान जो है अब उन लोगों को भी होगा वो भी झेलना पड़ेगा। ऑलरेडी किसानों की अगर बात करूँ तो कई महीनों से जो है वो आंदोलन कर रहे हैं और उनकी किस तरीके से उनका लालन पालन जो है वो घर पे चल रहा है, वो तमाम मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। और इस समय भी अगर मैं कहूँ तो किसानों को एक बार फिर से दोहरी मार जो है वो मौसम ने दी है और किस तरीके से अब मौसम जो है वो बेवजह बारिश से और ओले जो पड़े हैं इसके खास करके फसलों को काफ़ी नुकसान जो है वो पड़ेगा। 2 तरीके की ज़िंदगी प्रभावित हो रही है इस समय इस मौसम के चलते। दोनों तरफ मैंने आपका इशारा करते हुए समझाया है किस तरीके से एक वो लोग वो तगमा जो बाहर से यहाँ काम करने के लिए पहुँचा था और दूसरा वो किसान जिसने फसल लगाई थी और अब कटाई का सीज़न है और अब बारिश जो है वो बिना मौसम की ये बारिश जो आई है उससे उसकी फसलों को कितना ज़्यादा नुकसान जो है वो देखने को मिलेगा। और आप लोग भी जो किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं या फिर जिन लोगों के आसपास जो किसान काम करते हैं अगर वहाँ पर भी फसलों काफ़ी नुकसान हुआ है, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर रखिएगा अपनी राय कि कितना नुकसान जो है इस बेवजह मौसम की जो बारिश हुई है इससे उनकी फसलों को देखने को मिलेगा। बाकी तमाम रिस्क बन रही बाहु एक्सप्रेस पर अदित डोगरा के साथ शुभम लंगे बाहु एक्सप्रेस के लिए। जय हिंद।